अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर वीडियो एडिटिंग की क्लासेस, जिसमें हम आपको दिखाऊंगा वीडियो एडिटिंग ए से लेके जेड तक। और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे उसका नाम है अडोबी प्रीमियम प्रो। अडोबी प्रीमियम प्रो प्रोफेशनली इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस कितनी अच्छी क्यों होती हैं, उनमें इफेक्ट इतने अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो उनकी एडिटिंग जो है वो अडोबी प्रीमियम प्रो पे हुई होती है और उन्होंने जो है अडोबी प्रीमियम प्रो को मास्टर कर लिया है। मैं इस सीरीज में आपको अडोबी प्रीमियम प्रो को जो है वो मास्टर करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो है अपनी वीडियो को अडोबी प्रीमियम प्रो में इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट से लेके जो है मैं एक्सपोर्ट तक आपको सारी जो है वो डिटेल्स इस सीरीज में सिखाऊंगा। इस सीरीज में हम देखेंगे वीडियोस में जाके कट कैसे लगाते हैं, कितनी टाइप्स के कट होते हैं, सीक्वेंस कैसे बनती है, उसके बाद इफेक्ट्स कैसे लगते हैं, कितने किस्म के इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद जो है हम ऑडियो की जो है वो अलग से जो है वो क्लासेस देखेंगे, ऑडियो को जो है हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसको जो है ऑडियो को कैसे बना सकते हैं कि सुनने वाले को ऑडियो अच्छी लगे, क्योंकि ऑडियो जो है वो वीडियो में एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। एक अच्छी ऑडियो ही व्यूअर को वीडियो देखने पर मजबूर करती है। अडोबी प्रीमियम प्रो की फर्स्ट लास्ट में हम देखेंगे अडोबी प्रीमियम प्रो का बेसिक इंट्रोडक्शन और मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो को इम्पोर्ट कैसे करते हैं अपनी टाइमलाइन पे, और टाइमलाइन जो है अपनी मैन्युअली अगर आपने बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको सोर्स विंडो के बारे में बताऊंगा, टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा और दो तीन और विंडोज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने ओपन कर लिया है अपना प्रीमियम प्रो। यहाँ पे आपको चार विंडोज नजर आ रही हैं। इसको जो है हम कहते हैं सोर्स विंडो कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम विंडो कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन विंडो और इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। इन सब के बारे में जो है हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी जो है मैं आपको सिर्फ बताने के लिए समझा रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो है। इस पर जो है हम जितने भी हमारे एसेट्स हैं, हमारी वीडियोज़, ऑडियो क्लिप्स हैं, वो सारे जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद उसको वीडियोस को जो है और ऑडियो को जो है यहाँ पे हम सोर्स विंडो में ला के प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद जितना हमें वो क्लिप चाहिए उसको जो है हम ला के यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर छोड़ देंगे। टाइमलाइन के ऊपर छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नई सीक्वेंस बन जाएगी। नई सीक्वेंस जैसी बनेगी तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम विंडो में फाइनल आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी और पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास फाइनल कट जो है वो कैसा बन रहा है, फाइनल प्रीव्यू हमारे पास कैसा आ रहा है। अब यहाँ पे जो है हम अपनी इस वर्क स्पेस को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे जो है मैं प्रोजेक्ट विंडो को ज़्यादा जो है हमारे पास अब यूज़ होगा, यहाँ पे टाइमलाइन जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन को जो है अपना अब बड़ा करें और यहाँ पे जो है पूरा जो है वो एक या इतना हिस्सा जो है हमारे पास टाइमलाइन का तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये देखें आप, इसको जो है मैं लेफ़्ट क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पे टाइमलाइन जो है हमारे पास छोटी हो रही है, और यहाँ पे अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो जो है वो छोटी हो रही है। ठीक है, ये ऐसे जो है आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ, यहाँ पे प्रोग्राम और सोर्स विंडो के दरमियान में मुझे एक लाइन नज़र आएगी। अगर मैं माउस को इसके दरमियान में लेके जाऊँ तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो हमारे पास प्रोग्राम विंडो जो है वो छोटी होती जा रही है और सोर्स विंडो जो है वो बड़ी होती जा रही है। और अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँ तो हमारे पास वही जो है प्रोग्राम विंडो बड़ी होती जाएगी और सोर्स विंडो जो है वो छोटी होती जाएगी। अब जो है मुझे जो है यहाँ पे ये मीडिया ब्राउज़र नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसको जो है लेफ़्ट क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसको क्लोज पैनल कर दूँगा। क्लोज पैनल करने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब ये जो है प्रोजेक्ट विंडो टाइमलाइन को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट विंडो को जो है यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं जो है क्या करूँगा, प्रोजेक्ट विंडो पे जो है वो लेफ़्ट क्लिक करके रहूँगा, लेफ़्ट क्लिक में करके रखूँगा और इसको जो है यहाँ से उठा के इसको जो है हम यहाँ पे जो है यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे आप देख रहे हैं कि हमारे पास टाइमलाइन बड़ी हो गई है, और टाइमलाइन बड़ी होने के साथ हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो भी ऊपर चली गई है सोर्स विंडो के साथ और प्रोग्राम विंडो के साथ। अब इनको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं जो है प्रोग्राम विंडो को थोड़ा सा छोटा करूँगा, इससे जो है क्या हुआ हमारी प्रोजेक्ट विंडो जो है वो बड़ी हो गई, और इसको जो है हम सोर्स विंडो को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सोर्स विंडो को भी थोड़ा सा बड़ा किया, और ये जो है तकरीबन अब जो है हमारी लेआउट जो है वो यहाँ पे।
ठीक है, ये जो है ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे आपका पूरा जो है वो आएगा, टाइमलाइन आएगी। टाइमलाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ है हमारे प्रोजेक्ट में होता है। इसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्राम विंडो का, जहाँ पे जो है हमारी फाइनल आउटपुट आती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम ये जो है प्रोजेक्ट विंडो आ गई और ये सोर्स क्लिप आ गया। अब इस विंडो को जो है हम सेव कर लेंगे, वर्क स्पेस को हम सेव कर लेंगे। अब मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा। विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद वर्क स्पेस पर जाऊँगा। वर्क स्पेस पर जाने के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगी, सेव एज न्यू वर्क स्पेस। इसको जो इस पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, उस्मान अली वर्क स्पेस। ठीक है, इसको हमने ये नाम दिया और जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब भी हम प्रीमियम प्रो ओपन करेंगे तो ये जो है वो जो है वर्क स्पेस हमारे पास ओपन होके आ जाएगी। अगर हम इसको सेव ना करते, हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस जो है वो ओपन होके आ जानी थी और दोबारा से हमें जो है वो वर्क स्पेस ये वाली तो बनानी पड़नी थी। ठीक है, आज की इस क्लास में हमने सीखा विंडोज़ के बारे में कि विंडोज़ क्या होती हैं और कौन सी विंडो जो है कहाँ पर यूज़ होती है, टाइमलाइन। उसके बाद जो है हमारे पास सोर्स विंडो आ जाती है, प्रोग्राम विंडो आ जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है प्रोजेक्ट विंडो आ जाती है। उसके बाद हमने सीखा वर्क स्पेस के बारे में, वर्क स्पेस जो है वो क्या होती है और वर्क स्पेस जो है हम अपनी जो है इनिशियली वर्क स्पेस जो है हम कैसे बना सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।